खरगोन 15 मई को जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बामंदी निवासी प्रिया पति गौरव जायसवाल की मौत हो गई थी। इस मौत को समाजजनों ने संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है। मंगलवार को समाजजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, यहां ज्ञापन सौंपकर मौत के लिए ड्यूटी डॉक्टरों एवं स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया। समाज अध्यक्ष राजेश जायसवाल, रामेश्वर जायसवाल, मोहन जायसवाल, संतोष जायसवाल, संजय जायसवाल आदि ने बताया कि प्रिया का पहला प्रसव था। प्रसव के 9 माह तक डॉक्टर महेंद्र बड़ोले से जांच कराई, उनके कहे अनुसार उपचार लिया। प्रसव के दौरान भी उन्होंने ही भर्ती करने को कहा था और खुद ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन फोन लगाने के बाद भी नहीं आए। इसके बाद 15 मई को ड्यूटी डॉक्टर रानू रघुवंशी के कहने पर प्रिया खुद चलकर ओटी तक गई थी। महज 10 मिनट बाद डॉक्टर रघुवंशी घबराकर बाहर आई और परिजनों को कहा कि पता नहीं प्रिया को कैसे झटके मुंह से झाग और खून आ रहा है। समाजजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन, एक्सपायर या लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाने से प्रिया की मौत हुई है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और चिकित्सक पर कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में किसी और को अपना अमूल्य जीवन न गंवाना पड़े। विधायक रवि जोशी ने मामले को लेकर बताया कि शासन और जिला अस्पताल के खिलाफ रोड पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहेंगे? खरगोन के हमारे निमकुल गांव की बेटी और हमारी बेटी के साथ पिछले दिनों जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए आई थी। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, डॉक्टरों की उदासीनता की वजह से, डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने की वजह से हमारी बेटी नहीं रही। दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हम अब किसी और बेटी को नहीं खोएंगे। अगर किसी बेटी के साथ और ऐसा हुआ तो हम पूरी ताकत के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन करेंगे जिला प्रशासन के खिलाफ, जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, और ऐसा अगर भविष्य में होता है तो पूरी ताकत के साथ हम सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में जिले की इकाई से सभी समाज बंधु यहाँ इकट्ठा हुए थे। आपको पता है कि बामंदी की श्रीमती प्रिया गौरव जायसवाल, वो यहाँ 9 महीने से डॉक्टर बड़ोले के यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। फर्स्ट डिलीवरी थी उनकी। डॉक्टर बड़ोले ने 9 महीने तक ट्रीटमेंट किया, डिलीवरी से एक दिन पहले उनको एडमिट भी किया और डिलीवरी वाले दिन उनको अटेंड करने नहीं आए। अगर उनको उनका इलाज नहीं करना था तो एडमिट नहीं करना था। एडमिट करके और उनके साथ छल करा, उनका इलाज करने के नहीं आए, उसके कारण से उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह यह है कि जो कम अनुभवी डॉक्टर रानू उनको अटेंड कर रही थी, उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया उसके तत्काल बाद 5 मिनट में मुंह से झाग आने और ब्लड आने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं तो एक तो डॉक्टर बड़ोले, डॉक्टर रानू को सस्पेंड किया जाए, इन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण बनाए जाएँ। और खरगोन हॉस्पिटल में अक्सर ये देखने में आता है कि 9 महीने इलाज करने के बाद में इन वक्त पर उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके कारण शासकीय अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। तो प्रशासन इन पर शिकंजा कसे और ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं, तो ये या तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर लें या सरकारी नौकरी कर लें। क्या नाम है आपका? राजेश जायसवाल, जिलाध्यक्ष सर्ववर्गीय जायसवाल महासभा। इन्होंने इनका 9 महीने तक ट्रीटमेंट किया, प्रसूति से एक दिन पहले इन्होंने उसको एडमिट किया और सीजर के टाइम पर चले गए लावारिस छोड़कर। उसकी डेथ होने की मुख्य वजह यह है कि जो डॉक्टर अटेंड कर रही थी वो अनुभवी नहीं थी, और ये अनुभवी थे, या अगर ये अटेंड नहीं कर सकते थे तो इन्होंने उसको पहले ही बोल देना था कि मैं कल यहाँ नहीं हूँ, आपको जहाँ करवाना इलाज करा ले, क्योंकि इंदौर चले जाते थे। उसको भरोसा दे करके वहाँ एडमिट करके गए और उसको अटेंड नहीं किया। फिर खरगोन जिला चिकित्सालय में आती है। फिर दूसरा विषय ये है कि जो डॉक्टर रानू, उनको अगर इतना अनुभव नहीं था तो उन्होंने किसी अनुभवी डॉक्टर को साथ में रखना था, या वो नहीं कर सकती थी तो उन्होंने मना करना था। जो इंजेक्शन लगा है वो सस्पेक्टेड है, मतलब उस इंजेक्शन को लगाते ही बराबर उसकी मुश्किल से 5-7 मिनट में डेथ हो गई। तो बात यह है सर, तीन बार जोर से चिल्लाई नहीं वाली का।
बात यह है कि लोग भरोसा करके सरकारी अस्पताल पर आते हैं, और अगर आज संपन्न वर्ग तो आता नहीं, गरीब व्यक्ति अगर भरोसा करके आ रहा है उसका भरोसा टूटता है, तो ये प्रशासन की असफलता है। और ऐसा होगा तो मतलब लोगों को सरकारी अस्पताल आना मुश्किल लगने लगेगा कि सरकारी अस्पताल जाने के बजाय लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे। एक जान गई है, हम समाज के सब लोग बहुत दुखी हैं, और नवविवाहिता थी मुश्किल से 2 साल पहले उसकी शादी और से पूछी उसके 1 साल पहले उनके पिताजी को कोरोना में इस काम निकला। दूसरा हम इसमें ये चाह रहे हैं, उन लोगों ने 3 डॉक्टर को टीम बना ली है और वो वहीं पर अपना सारा सब कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो खुद ही अपनी जांच मतलब आरोपी साथियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। हमने इसमें मांग की है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसकी जांच करें, प्रकरण दर्ज होना चाहिए सर, इसका खौफ कड़ा होना चाहिए कि हम किसी की जान के साथ खेलेंगे तो कल से हमको सजा भी होगी अगर हम इन्हीं लोगों के जांच के दायरे में गिर जाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।